हेलो दोस्तों, आज का एक्सप्लेनेशन है बहुत ही दिलचस्प मूवी द फाउंडर। ये मूवी बेस्ड है मैकडोनल्ड की जर्नी पे। आखिर ऐसी क्या अलग बात थी जिसे मैकडोनल्ड को इतना फेमस कर दिया कि आज पूरी दुनिया में मैकडोनल्ड के 40,000 से भी ज्यादा रेस्टोरेंट हैं, और कौन कौन लोग हैं इसकी सक्सेस के पीछे। अगर आपने इस मूवी को अब तक ना देखा हो तो आप इसे नेटफ्लिक्स या अमेजोन प्राइम पर देख सकते हैं, पर ये वहां पर हिंदी डबिंग में अवेलेबल नहीं है, इसलिए मैंने जितना हो सके इस वीडियो में उसे एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और प्लीज कमेंट करके बताइए आपको ये वीडियो कैसा लगा। तो चलिए स्टोरी शुरू करते हैं। मूवी की स्टार्टिंग होती है रे क्रुक से। रे एक सेल्समैन है जो रेस्टोरेंट्स में जाकर मिल्कशेक मिक्सर मशीन बेचता है, और रे की कंपनी का नाम है प्रिंस कासल। रे बहुत कोशिश करता है अपनी मशीन को बेचने की, पर कोई भी उसकी मशीन में इंटरेस्टेड नहीं है। फिर रे अपनी सेक्रेटरी को कॉल लगाता है और वो बताती है कि 6 मिक्सर का ऑर्डर आया है, पर रे को विश्वास नहीं होता कि एकदम से 6 मिक्सर का ऑर्डर कहां से आ गया। रे उस बंदे से बात करता है जिसने 6 मिक्सर का ऑर्डर दिया था। वो बंदा बोलता है हमें 6 नहीं, हमें 8 मिक्सर चाहिए। रे ये जानकर बहुत खुश हो जाता है और जानना चाहता है कि ऐसा कौन है जिसे इतने सारे मिक्सर की जरूरत पड़ गई। फिर रे पहुंचता है एरिजोना उस बंदे के रेस्टोरेंट में, जिसके रेस्टोरेंट का नाम है मैकडोनल्ड हैमबर्गर्स। वहां बहुत सारे लोग लाइन में खड़े थे अपने बर्गर के लिए, और रे को समझ में नहीं आता किस लिए। दोस्तों ये स्टोरी है 1954 की, और उस टाइम में लोग लाइन में खड़े नहीं रहते थे। वो अपना ऑर्डर देते और वेट्रेसेस खाने को प्लेट में उनकी गाड़ी तक पहुंचाती। पर जो मैकडोनल्ड में हो रहा था वो बहुत अलग था, रे ने ऐसा पहला कभी नहीं देखा था। इसलिए रे भी लाइन में लग जाता है और ऑर्डर देता है एक बर्गर और कोक का, और हाथों हाथ उसे उसका ऑर्डर मिल जाता है पैकेट में। उसे विश्वास नहीं होता इतना जल्दी कैसे उसका ऑर्डर मिल गया। वो पूछता है कि आप लोगों ने इसे प्लेट में नहीं दिया, और इसे मैं कहाँ खा सकता हूँ। वो बंदा बोलता है आप इसे कहीं भी खा सकते हैं, अपनी कार में, गार्डन में, और या फिर अपने घर पे भी। फिर रे वहीं बेंच पे बैठकर अपना बर्गर खा रहा होता है, और वहां एक बंदा सफाई करते हुए रे से पूछता है आपको ये बर्गर कैसा लगा। रे बोलता है इतना अच्छा बर्गर मैंने अपनी पूरी लाइफ में नहीं खाया है। वो बंदा बोलता है यही है हमारी खासियत। वो बताता है वो मैकडोनल्ड है, रे उसी से मिलने आया है। रे अपना कार्ड दिखा के बोलता है मेरा नाम रे क्रुक है, और आपने 6 मिक्सर का ऑर्डर किया था। मैक बोलता है हाँ शायद मेरे भाई ने ऑर्डर किया था। रे बोलता है मैं बस यहीं से गुजर रहा था तो सोचा आप लोगों को हेलो बोलता चलूं। रे मैक से पूछता है कि ये रेस्टोरेंट कैसे काम करता है। मैक पूछता है क्या तुम इसका टूर लेना चाहोगे। रे बोलता है बिल्कुल। मैक रे को रेस्टोरेंट के बारे में बताता है। वो बोलता है कि यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट है स्पीड, और इसके लिए सबसे पहले वो मैकडोनल्ड हैमबर्गर को ग्रिल करते हैं, जिसके लिए 2 कुक हैं जिनका काम सिर्फ ग्रिल करना है, और जब तक पैटी कुक होती है तब तक एक बंदा बन तैयार रखता है। हर मैकडोनल्ड बर्गर में 2 तरह के अचार, थोड़ा प्याज, सॉस और सरसों होता है। रे पूछता है तुम इन्हें कहाँ से लाते हो। मैक बोलता है हम खुद इसे बनाते हैं, यहाँ तक कि ये पूरा किचन हमने बनाया है। हर काम के लिए अलग अलग बंदे हैं, और आखिर में सभी इंग्रेडिएंट को मिलाया जाता है और आपका बर्गर रेडी है सिर्फ 30 सेकंड में। मैक बताता है ये सब उसने अपने भाई डिक मैकडोनल्ड के साथ मिलकर बनाया है। ये आइडिया डिक का ही है। वो हर चीज को लेकर पर्टिकुलर है कि फ्राइज कितनी गर्म होनी चाहिए, किस टेम्परेचर पर पैटी कुक होनी चाहिए। रे डिक और मैक के काम से बहुत खुश होता है, उसने ऐसा रेस्टोरेंट आज तक नहीं देखा था, इसलिए रे उनसे उनकी स्टोरी जानना चाहता है कि कैसे उन्होंने इन सब की शुरुआत की। मैक बताता है मैं और डिक हमेशा से मूवी बिजनेस में काम करना चाहते थे, इसलिए कुछ टाइम तक हमने ट्रक ड्राइवर की जॉब की कोलम्बिया पिक्चर्स में, फिर हमने अपना छोटा सा मूवी थिएटर खोला गैलेंडोरा में। दोस्तों गैलेंडोरा लॉस एंजलिस में है। मूवी थिएटर अच्छा चल रहा था, तभी दिन आया सितंबर 1929 का। दोस्तों उस दिन लंदन स्टॉक एक्सचेंज बुरी तरह क्रैश हुआ था, और उस टाइम गैलेंडोरा में कोई भी पैसा नहीं बना पा रहा था, सिर्फ एक बंदे को छोड़ के वाइल्ड रीड, जिसके पास हॉट डॉग और सॉफ्ट ड्रिंक का स्टैंड था। तो हमने सोचा क्यों ना अपना खुद का स्टैंड खोला जाए हॉट डॉग और ऑरेंज जूस को आर्केडिया में, पर वहाँ ज्यादा लोग नहीं थे इसलिए बिजनेस अच्छी तरह से वहाँ चल नहीं रहा था। फिर हमने सोचा सैन बेरनार्डिनो में शिफ्ट करने का, पर हमारे सारे पैसे खत्म हो चुके थे वहाँ नया स्टैंड लेने के लिए। फिर डिक को एक ब्रिलियंट आइडिया आया, स्टैंड को ट्रक से सैन बेरनार्डिनो शिफ्ट किया जाए, पर प्रॉब्लम ये थी रोड के ऊपर फ्लाईओवर होने के कारण स्टैंड उसमें से नहीं निकल सकता था। इसलिए डिक ने एक और अच्छा आइडिया दिया, क्यों ना स्टैंड को आधा कर दिया जाए, यानी छत और बिल्डिंग को ट्रक से अलग अलग निकाला जाए, और ये आइडिया काम कर गया। फिर से हमने वहां पर अपना रेस्टोरेंट खोला। अब प्रॉब्लम ये थी कि ये टाइम था 1940 का, जहां पर वेट्रेसेस खाना गाड़ी तक पहुंचाती थी, इसलिए हमने भी उस ट्रेंड को फॉलो किया और बिजनेस अच्छा चलने लगा, पर ज्यादा टाइम तक नहीं। डिक बोलता इस बिजनेस मॉडल में कुछ कमियां थी, इसमें ज्यादातर टीनएजर थे जिनकी सर्विस बहुत खराब थी, और इस मॉडल में ज्यादा लोगों की जरूरत थी जिसके लिए ज्यादा पैसे भी चाहिए थे, कई बार प्लेट्स टूट जाती और या चोरी हो जाती। फिर डिक ने एक चीज नोटिस की, सबसे ज्यादा सेल्स होती है हैमबर्गर, फ्रेंच फ्राइज और सॉफ्ट ड्रिंक की, इसलिए हमने सोचा अब हम इन्हीं आइटम पर ध्यान देंगे, और हमने बाकी सारे आइटम निकाल दिए।
फिर हमने वेटरेसेस हटा दी और ऑर्डर विंडो से देने लगे। खाना पेपर पैकेजिंग और डिस्पोजल में दिया जाता। हमने रेस्टोरेंट से सिगरेट और म्यूजिक मशीन भी हटा दी थी। हम इतने टाइम से दूसरों के आइडिया पे काम कर रहे थे, पर इस बार हम चाहते थे कुछ अलग और अच्छा, जिसने हमें दूसरे लोगों से अलग किया। रे पूछता है क्या, मैक बोलता है 30 सेकंड में ऑर्डर तैयार। डिक बोलता है आपका ऑर्डर 30 सेकंड में तैयार मिलता है आपको, ना कि 30 मिनट में। ये आइडिया काम कर सके इसके लिए डिक और मैक ने रेस्टोरेंट बंद किया और एक टेनिस कोर्ट में किचन के एरिया का ड्रॉ किया। हमने वहां अपने स्टाफ को बुलाया और उनसे कहा वो वैसे ही काम करे जैसे वो रेस्टोरेंट के किचन में करते हैं। उनका पहला किचन वर्जन काम नहीं कर रहा था क्योंकि उसमें स्पेस की कमी थी। दूसरे वर्जन में भी लोग एक दूसरे से टकरा रहे थे और कंफ्यूज हो रहे थे। फिर तीसरे वर्जन में हालात सुधर रहे थे और काम ढंग से होने लगा। और ये था दुनिया का पहला फास्ट फूड डिलीवरी सिस्टम। पर इसमें भी बहुत प्रॉब्लम आई। जब रेस्टोरेंट ओपन हुआ तब लोग बार बार गाड़ी का हॉर्न बजा रहे थे ऑर्डर के लिए, क्योंकि उन्हें नहीं पता था कि ऑर्डर विंडो पर देना है और वहां से लेना है। इसलिए हमने एक तरीका अपनाया, हमने रेस्टोरेंट की ग्रांड रीओपनिंग की। हमने वहाँ पे लाइटें लगाई, पटाखे छोड़े और भी बहुत कुछ किया और लोगों को बताने की कोशिश की कि वो मैकडोनल्ड से कैसे खाना ऑर्डर कर सकते हैं। फिर अगले दिन सुबह हुई पर कोई नहीं आया, तो हमने सोचा हमें फिर से ओल्ड मॉडल में रेस्टोरेंट को ओपन करना होगा। तभी वहाँ एक बच्चा आया और उसके जाने के बाद एक कार, फिर दूसरी कार, फिर तीसरी कार, और इस तरह से बहुत सारे लोग आने लगे और इस तरह हमारा बिजनेस इस शहर में फेमस हो गया। और यही थी हमारी स्टोरी। फिर रे अपने घर जाता है पर उसे नींद नहीं आती, वो सिर्फ मैकडोनल्ड के बारे में सोचता रहता है। इसलिए रे अगले दिन फिर से मैकडोनल्ड भाइयों से मिलने जाता है। रे उन्हें बोलता है हमें फ्रेंचाइजी करनी चाहिए मैकडोनल्ड की। डिक बोलता है हम पहले से कोशिश कर चुके हैं। वो बताता है हमारे 3 रेस्टोरेंट साउथर्न कैलिफोर्निया में, एक सैक्रामेंटो में और एक फिनिक्स में, और यही है सिर्फ अब तक। रे बोलता है ऐसा क्यों? डिक बोलता है क्वालिटी कंट्रोल। मैक बोलता है ये जगह पूरी तरह बर्बाद है, गंदे किचन और मेन्यू में आइटम का कम ज्यादा होना, और सैक्रामेंटो फ्रेंचाइजी को ऑलरेडी बेचा जा चुका है, इसलिए हमने अपना पूरा ध्यान इसी रेस्टोरेंट में लगाया और ये इस शहर का सबसे फेमस रेस्टोरेंट बन चुका है। रे को मैकडोनल्ड ऑफिस में नई डिजाइन के मैकडोनल्ड रेस्टोरेंट की फोटो दिखती है। उस रेस्टोरेंट का आइडिया डिक ने दिया था। इसे मैकडोनल्ड भाई गोल्डन आर्चेस कहते हैं। रे पूछता है क्या तुमने इसे कभी बनाया भी है? डिक कहता है हाँ, सिर्फ एक फिनिक्स में। फिर रे फिनिक्स जाता है गोल्डन आर्चेस को देखते हैं और वो उसे बहुत पसंद आता है। फिर वो अपनी वाइफ के पास जाता है जिसका नाम इथल क्रॉक है। रे इथल को मैकडोनल्ड के बारे में बताता है, पर उसकी वाइफ कहती है उसे मिक्सर की सेल्स पर ध्यान देना चाहिए, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है और उसे क्या चाहिए। रे बोलता है ये मेरे लिए काफी नहीं है, मैं इतने जल्दी सेटल नहीं होना चाहता, और उसकी वाइफ ये सुनकर वहां से चली जाती है। इसलिए रे फिर से कोशिश करता है मिक्सर बेचने की, पर उसे कोई नहीं खरीदता। रे सेल्समैन का काम करते करते परेशान हो चुका है और वो तय करता है कि अब वो मैकडोनल्ड भाइयों के साथ काम करेगा। फिर रे मैकडोनल्ड भाइयों के पास जाता है और उन्हें कहता है कि वो उनके साथ काम करना चाहता है और वो अलग अलग शहरों में मैकडोनल्ड की फ्रेंचाइजी खोलने में उनकी मदद करेगा। मैकडोनल्ड भाई एक दूसरे से इसके बारे में बात करते हैं और फिर वो मान जाते हैं। वो लोग रे से कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाते हैं। उसके बाद रे बहुत से लोगों के पास जाता है फ्रेंचाइजी के लिए, पर सब उसे मना कर देते हैं। इसलिए रे खुद मैकडोनल्ड की फ्रेंचाइजी लेता है और उसके लिए वो बैंक से लोन लेता है अपने घर को गिरवी रखकर। दोस्तों रे के लिए ये डू एंड डाई वाली सिचुएशन है। अगर ये रेस्टोरेंट नहीं चला तो उसे अपना घर खोना पड़ेगा। फिर मैकडोनल्ड रेस्टोरेंट की काम की शुरुआत होती है, पर बीच में बहुत सी प्रॉब्लम भी आती है मैकडोनल्ड भाई और रे के बीच में। कुछ चीजें ऐसी होती है रे की तरफ से जो मैकडोनल्ड भाइयों को पसंद नहीं आती और कुछ चीजें रे को पसंद नहीं आती, पर कैसे भी करके रेस्टोरेंट बनकर तैयार हो जाता है और अच्छे से चलने भी लगता है। रे अपने रेस्टोरेंट का पूरा ध्यान रखता है, वो किचन में घूमता रहता है, कुछ गलत लगता है तो बताता है। उसे वहाँ एक बंदे का काम पसंद आता है जिसका नाम होता है फ्रेड टर्नर। फिर रेस्टोरेंट बंद होने के बाद रे खुद वहाँ की सफाई भी करता है। फिर अगले दिन रे और इथल रेस्टोरेंट में डिनर कर रहे होते हैं अपने दोस्तों के साथ। रे के दोस्तों का पहले से बिजनेस अच्छा चल रहा है और जब रे उन्हें बता रहा होता है अपने रेस्टोरेंट के बारे में तो वो लोग उसका मजाक उड़ाने लगते हैं। इसलिए इथल सबको कहती है तुम्हें रे के नए बिजनेस के बारे में सुनना चाहिए। फिर रे उन्हें अपने 30 सेकंड फूड डिलीवरी सिस्टम के बारे में बताता है और बहुत से लोगों को, ताकि वो भी मैकडोनल्ड की फ्रेंचाइजी ले। मैकडोनल्ड भाइयों को पता चलता है रे ने एक महीने में 3 नई फ्रेंचाइजी खोली है। डिक को लगता है कहीं उन्होंने रे को अपना सारा एक्सपीरियंस बताकर गलती तो नहीं कर दी, क्या रे इतने सारे मैकडोनल्ड रेस्टोरेंट का स्टैंडर्ड मेंटेन कर पाएगा? और यही होता है। रे ने जिन दोस्तों का मैकडोनल्ड की फ्रेंचाइजी बेची थी वो लोग मैकडोनल्ड के स्टैंडर्ड को मेंटेन नहीं कर पा रहे थे और वो लोग उसमें अपना आइटम भी सेल कर रहे थे। रेस्टोरेंट भी पूरा गंदा रहता था और ढंग से बर्गर भी नहीं बनाए जा रहे थे। फिर रे घर आता है और अपनी वाइफ को कहता है मैंने उस क्लब की मेंबरशिप कैंसिल कर दी जहाँ पर रे के दोस्त जाते थे। रे को वो जगह बकवास लगती है, पर इस बात से इथल खुश नहीं होती। वो बोलती है वो हमारे अच्छे दोस्त हैं। रे बोलता है हम लोग और नए दोस्त बना लेंगे। फिर अगले दिन रे के ऑफिस में एक बंदा आता है जिसका नाम लिनार्डो रोजबेल्ट है। वो वहाँ पर बाइबल सेल करने आया था, पर रे उसे मैकडोनल्ड की फ्रेंचाइजी ऑफर करता है और लिनार्डो मान
जाता है। कुछ टाइम बाद लियोनार्डो की बिल्डिंग तैयार हो जाती है। रे लियोनार्डो के काम से बहुत खुश होता है। वहाँ लियोनार्डो और उसकी वाइफ मिलकर बहुत अच्छी तरह से मैकडॉनल्ड चला रहे थे। रे अपनी वाइफ को बोलता है, मुझे ऐसे ही लोगों की जरूरत है। रे बहुत से इवेंट करता है और वो उन लोगों से मिलता है जिन्हें सच में लाइफ में कुछ करने का जोश है, जो मैकडॉनल्ड को अपना समझ के चलाए। दरअसल उसका एम है मैकडॉनल्ड फैमिली बनाना, जो अपना 100% दे इसमें। और ऐसा ही होता है, बहुत से लोग मैकडॉनल्ड की फ्रेंचाइजी लेते हैं और क्वालिटी कंट्रोल का भी ध्यान रखते हैं। रे इस बात से बहुत खुश होता है। कुछ दिनों के बाद रे डिनर करने जाता है एक रेस्टोरेंट में। वहाँ का खाना उसे बहुत पसंद आता है। रे वहाँ के मालिक रॉली को बोलता है, मुझे आपके रेस्टोरेंट का खाना बहुत पसंद आया। रॉली ये जानकर बहुत खुश होता है। रॉली रे को पहले से जानता था, इसलिए वो रे को कहता है, मुझे भी आपका काम बहुत पसंद है। रॉली कहता है उसके पास जगह और पैसा दोनों है और वो भी मैकडॉनल्ड रेस्टोरेंट खोलना चाहता है। इन्हीं बातों के बीच रे का ध्यान एक लड़की पे जाता है जो पियानो बजा रही होती है। रॉली रे को बोलता है, क्या तुम उस लड़की से मिलना चाहोगे? रे बोलता है, बिल्कुल। फिर रॉली उस लड़की को रे से मिलाता है और बोलता है, ये है मेरी वाइफ जॉयन सिमेंट। रे को ये बात पता नहीं थी। फिर वो लोग बातें करते हैं और जॉयना को पता चलता है कि कैसे रे ने मैकडॉनल्ड की शुरुआत की। अब जॉयना को भी रे में इंटरेस्ट आने लगता है। जॉयना रे से पूछती है, क्या आप गाना सुनना चाहेंगे? रे उसे अपना फेवरेट सॉन्ग का नाम बताता है और फिर रे और जॉयन साथ में मिलकर पियानो बजाते हैं और गाने गाते हैं। फिर रे अपने घर आता है। वहाँ ईथन उसे बताती है कि कुछ लोग उसके साथ काम करने में इंटरेस्टेड हैं। रे कहता है, भूल जाओ उनको, वो जहाँ से आया है वहाँ लोग उसके साथ काम करने के लिए मरे जा रहे हैं। ये बात ईथन को सही नहीं लगती, क्योंकि अब ईथन को लगने लग रहा था उसकी वैल्यू रे की नजर में कम होती जा रही है। फिर अगले दिन रे की सेक्रेटरी उसे बताती है, हमारे सारे पैसे खत्म हो चुके हैं। वो बताती है, तुम्हारा रेवेन्यू कट सिर्फ 1.4% है, जो बहुत ही कम पड़ रहा है सारे एक्सपेंसेस को कम करने के लिए, और इस तरह से तुम कर्जे में जा रहे हो। फिर रे डिक को फोन पे कहता है उसे 3.5% कट चाहिए, पर डिक नहीं मानता। वो कहता है, ये हमने पहले से डिसाइड किया था और तुमने कॉन्ट्रैक्ट भी साइन किया है। रे बोलता है, मेरे लिए 1.4% काफी नहीं है, मैकडॉनल्ड की फ्रेंचाइजी के लिए मैं रात दिन काम कर रहा हूँ। और फिर भी डिक उसकी बात नहीं मानता और रे गुस्से से फोन रख देता है। अब जब रे घर पहुंचता है तो ईथन को पता चलता है रे ने उसका घर बैंक में गिरवी रख दिया है। ये बात ईथन को पता नहीं थी, इसलिए वो रे से बहुत नाराज होती है। फिर रे रॉली के पास जाता है उससे कुछ पैसे उधार लेने, पर रॉली के पास भी इतने पैसे नहीं है क्योंकि मैकडॉनल्ड में बहुत सारे एक्सपेंसेस हो रहे थे। रे बोलता है, बिल्कुल आइसक्रीम फ्रिज की कॉस्ट बहुत ज्यादा आ रही है। रॉली बोलता है, मैं हेल्प तो नहीं कर सकता, पर जॉइन के पास एक अच्छा आइडिया है। जॉइन बोलती है, मेरे पास एक तरीका है जिससे तुम और तुम्हारे सारे फ्रेंचाइजी $100 तक का इलेक्ट्रिसिटी बिल बचा सकते हैं और हम लोग मिल्क शेक को बनाने का टाइम भी आधा कर सकते हैं। फिर वो रे को इंस्टा मिक्स नाम का एक पाउडर दिखाती है जिसे पानी में मिलाकर वो बिल्कुल मिल्क शेक जैसा लगता है। रे को वो मिल्क शेक बहुत पसंद आता है, पर वो बोलता है उसे थोड़ा टाइम चाहिए इस बारे में सोचने के लिए। रे डिक को बोलता है, मुझे हमारी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिल गया है, इंस्टा मिक्स मिल्क शेक। इसे फ्रिज में रखने की जरूरत नहीं होती, इसे पानी में मिलाकर पिया जा सकता है और टेस्ट में भी ये बिल्कुल मिल्क शेक जैसा लगता है, और इसका यूज करके हम $100 की इलेक्ट्रिसिटी हर साल बचा सकते हैं। डिक कहता है, बिना मिल्क के कोई मिल्क शेक नहीं हो सकता, और ये कहकर वो फोन रख देता है। अब रे पूरी तरह से कर्जे में डूबा हुआ है और बैंक ने भी उसे लास्ट वार्निंग दे दी है। बैंक से निकलते समय उसे एक बंदा मिलता है जिसका नाम हैरी है। वो बताता है, मैं आपकी मदद कर सकता हूँ इस प्रॉब्लम से निकलने में। रे उसे अपने ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड और कॉन्ट्रैक्ट दिखाता है। हैरी बोलता है, आपके पास कोई कैश रेवेन्यू नहीं है और आपका कट भी बहुत लो है, और कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से आपको हर चीज का अप्रूवल लेना पड़ता है। फिर हैरी जमीन के बारे में पूछता है, कैसे फ्रेंचाइजी को जमीन मिलती है? रे बोलता है, बहुत ही सिंपल है, फ्रेंचाइजी खुद जमीन ढूंढता है जो उसे पसंद हो, हमसे कंस्ट्रक्शन लोन लेकर वो अपनी बिल्डिंग बनाता है। हैरी बोलता है, इसका मतलब फ्रेंचाइजी खुद जमीन चुनता है? अब उसको ट्रेनिंग और सिस्टम कैसे वर्क करता है उसके बारे में बताते हैं, और इसके बाद पूरी जिम्मेदारी फ्रेंचाइजी की होती है। रे बोलता है, हाँ बिल्कुल। हैरी बोलता है, आपको पता है आप किस बिजनेस में हैं अभी? आप बर्गर बिजनेस में नहीं है, रियल एस्टेट बिजनेस में है। आप 1.4% कट पे कुछ नहीं कर सकते, पर जमीन को लेकर आप बहुत कुछ कर सकते हैं, जिसके ऊपर बर्गर पक रहा है। जिस आपको चाहिए आप वो जमीन खरीदें और उस जमीन को अपने फ्रेंचाइजी को लीज पर दें, जहां पर आपको पूरा कंट्रोल होगा फ्रेंचाइजी पर। इससे आपको दो फायदे होंगे, पहले आपको जमीन का किराया मिलता रहेगा, और दूसरा जब आपके पास अच्छा खासा अमाउंट हो जाएगा तो आप दूसरी जमीन खरीद कर उसे भी लीज पर दे सकते हैं, और ऐसा करते करते आपका रेवेन्यू भी बढ़ता रहेगा। और सबसे जरूरी बात, आपका पूरा कंट्रोल रहेगा फ्रेंचाइजी पर। अगर वो आपके हिसाब से काम नहीं करते तो आप उनकी लीज कभी भी खत्म कर सकते हैं, और इससे आपका पूरा कंट्रोल होगा डिक और मैक पर भी। रे बोलता है, आइडिया बहुत अच्छा है, और वो राजी हो जाता है। हैरी रे की हेल्प करता है इन्वेस्टर ढूंढने में जो मैकडॉनल्ड पर पैसा लगाए, और उन्हीं पैसों से रे जमीन खरीदेगा और उन्हें लीज पे देगा। कुछ ही टाइम बाद मैकडॉनल्ड पूरे देश में फेमस हो जाता है और रे अपनी नई कंपनी खोलता है, फ्रेंचाइजी रियलिटी कॉर्पोरेशन। इसके बारे में पता चलते ही डिक और मैक रे को फोन करते हैं।
डिक बोलता है क्या है फ्रेंचाइजी रे कॉर्पोरेशन। रे बोलता है कुछ नहीं, मैंने बस लीजिंग सर्विस शुरू की है जहां मैं फ्रेंचाइजी को जमीन किराए पर देता हूं। डिक बोलता है तुम ये नहीं कर सकते हमसे बिना पूछे। रे बोलता है क्यों नहीं। डिक बोलता है क्योंकि हमने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था, कुछ भी अगर चेंज होगा तो तुम हमें लिख कर दोगे और हमारा उसे अप्रूव करना जरूरी है। रे बोलता है मैंने कुछ चेंज नहीं किया है, ये एक अलग कंपनी है। डिक बोलता है जो भी मैकडॉनल्ड से जुड़ा है उस पर हमारा अप्रूवल जरूरी है। रे बोलता है अंदर रेस्टोरेंट में क्या हो रहा है उन सब पर तुम्हारा पूरा कंट्रोल है, पर रेस्टोरेंट के बाहर क्या होता है उस पर तुम्हारा कोई कंट्रोल नहीं। और ये कहकर रे फोन रख देता है। फिर रे रॉली और जॉइन के पास जाता है और उन्हें इंस्टा मिक्स का पूरा डब्बा देता है ताकि वो और बाकी सारे फ्रेंचाइजी इंस्टा मिक्स से बना मिल्कशेक सेल कर सके। अब जॉइन और रे दोनों काफी नजदीक आने लगते हैं। वो लोग रात को फोन पर बातें करते रहते हैं जिसके बारे में इथेल को भी पता होता है, पर वो कुछ नहीं कहती। अगले दिन डिक रे को बोलता है कैसे तुमने इंस्टा मिक्स को हमारे अप्रूवल के बिना हमारे एक फ्रेंचाइजी को दे दिया, हमारी इस बारे में बात हो चुकी थी, मिल्क शेक का तरीका चेंज नहीं होगा। रे बोलता है तुम प्रॉफिट नहीं कमाना चाहते कोई बात नहीं, पर हमें मत रोको। डिक पूछता है हमें मतलब। रे बोलता है हमें मतलब हम सब फ्रेंचाइजी तुम्हें छोड़कर। डिक बोलता है तुम्हें कोई हक नहीं है इसका, तुम्हें इसे अभी रोकना होगा। रे बोलता है नहीं। डिक बोलता है क्या मतलब, तुमने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है। रे बोलता है मैं थक गया हूँ तुम लोगों की ना सुन सुनकर, मैं प्रोग्रेस करना चाहता हूँ पर तुम मुझे नियम कायदे में रोक देते हो। डिक बोलता है क्या तुम पाउडर मिल्कशेक से प्रोग्रेस कर सकते हो, तुम भूल गए हो मैकडॉनल्ड किस बारे में है। रे बोलता है मुझे अच्छी तरह से पता है मैकडॉनल्ड क्या है। डिक बोलता है तुम वही करोगे जो हम कहेंगे। रे बोलता है बिल्कुल नहीं। रे बोलता है कॉन्ट्रैक्ट दिल की तरह होता है जो टूटने के लिए बना है। फिर रे अपने घर जाता है और इथल के साथ डिनर कर रहा होता है और एकदम से रे कहता है उसे डिवोर्स चाहिए। इथल शॉक हो जाती है पर कुछ नहीं कहती, वो कोशिश कर रही थी किसी तरह से वो इस शादी को बचा सके, पर रे अब उसके साथ नहीं रहना चाहता। रे अपने वकील को बोलता है तुम इथल को गाड़ी इंश्योरेंस अकाउंट सब दे दो। वकील पूछता है और बिजनेस में से कुछ। रे बोलता है कुछ भी नहीं। वकील बोलता है ऐसा नहीं हो सकता। रे बोलता है वैसे भी मैं जल्दी मर जाऊंगा, उसके बाद तुम उसे मैकडॉनल्ड का एक शेयर दे देना। फिर रे मैकडॉनल्ड के कॉन्ट्रैक्ट को ब्रेक करने के लिए दूसरे वकील से मिलता है। वो बताता है ये आसान नहीं होगा, आपने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है। रे बोलता है मुझे नहीं पता पर मुझे इस कॉन्ट्रैक्ट से निकलना है। वकील बोलता है इसमें खर्चा बहुत होगा। फिर रे डिक और मैक को इंस्टा मिक्स का पैकेट और एक लेटर हेड भेजता है जिसके ऊपर लिखा होता है मैकडॉनल्ड कॉर्पोरेशन। डिक रे को कॉल करके पूछता है इसका क्या मतलब है। रे बोलता है लोग कंफ्यूज हो रहे हैं मैकडॉनल्ड को लेकर। डिक बोलता है तुमने मैकडॉनल्ड कॉर्पोरेशन कैसे लिखा अपने लेटर हेड पर, लोग ये सोचेंगे कि ये तुम्हारी कंपनी है। फिर मैक गुस्से से फोन डिक से ले लेता है और बोलता है ये तुम्हारी कंपनी नहीं है, इसे हमने बनाया है, हमने 32nd बर्गर का सिस्टम इन्वेंट किया है, तुमने नहीं। तुम बताओ तुमने इसमें क्या किया है, क्या तुम एक भी चीज बता सकते हो जो तुमने की हो। नहीं, क्योंकि तुम एक जोक की तरह हो जिसने हमारा सिर्फ खून चूसा है। रे बोलता है तुम्हें पता है जब मैं पहली बार मैकडॉनल्ड आया था तो मैं एक तरीका लेकर आया जिससे हम लोग आगे बढ़ सकें, पर तुम लोग बस वहीं रहना चाहते हो जहां तुम अभी भी हो, पर मैं जीतना चाहता था और एक अलग फ्यूचर बनाना चाहता था। तुम्हारे जैसे लोगों के लिए बिजनेस में कोई जगह नहीं, बिजनेस एक जंग है। मैक बोलता है हम चाहते हैं तुम इस कंपनी से निकल जाओ। रे बोलता है तुम ये कैसे करोगे। मैक बोलता है हम लोग तुम पर केस करेंगे। रे बोलता है हाँ और शायद तुम लोग जीत भी जाओ, पर तुम लोग मुझ पर केस करना अफोर्ड नहीं कर पाओगे। मैक में प्रेसिडेंट और सीईओ एक बड़ी कॉर्पोरेशन का जिसके पास 17 स्टेट्स में जमीन है, तुम सिर्फ एक बर्गर रेस्टोरेंट चलाते हो पूरे रेगिस्तान में, मैं नेशनल हूँ और तुम सिर्फ एक लोकल हो। थोड़ी देर में मैक का बीपी हाई हो जाता है और वो वहाँ बेहोश हो जाता है। फिर अगले दिन रे मैक से मिलने हॉस्पिटल आता है और वो मैक को ब्लैंक चेक देता है और वहाँ से चला जाता है। फिर थोड़ी देर बाद डिक रे को कॉल करता है और उसे 2.7 मिलियन मांगता है खुद के लिए और डिक के लिए अलग अलग, वो भी टैक्स काट के, और उन्हें 1% कंपनी में प्रॉफिट भी चाहिए। रे को इस बात पर बहुत गुस्सा आता है और वो हैरी को बोलता है वो लोग पागल हो गए हैं जो इतना सारा पैसा मुझसे मांग रहे हैं। हैरी बोलता है और उन्होंने तुमसे सैन बेरनार्डिनो मांगा है उनके पुराने एम्प्लॉयज के लिए। दोस्तों सैन बेरनार्डिनो वो जगह है जहां पर डिक और मैक मैकडॉनल्ड चलाते हैं। रे बोलता है मुझे सैन बेरनार्डिनो से अभी प्रॉफिट निकालना है लोन चुकाने के लिए। हैरी बोलता है मैंने उनके वकील से बात की है और वो लोग नहीं मानेंगे। फिर डिक मैक रे हैरी और उनके वकील मीटिंग करते हैं जहां पर रे का वकील कहता है रे को उनकी सारी शर्तें मंजूर हैं सिर्फ एक को छोड़ के, 1% प्रॉफिट कंपनी का फ्यूचर सेल में। रे बोलता है मैं पहले ही अपने इन्वेस्टर के साथ डील कर चुका हूँ और वो लोग इस डील के लिए राजी नहीं होंगे, पर तुम्हें रॉयल्टी मिलती रहेगी। इस बात पर डिक और मैक राजी हो जाते हैं और वो लोग मैकडॉनल्ड को रे को बेच देते हैं। फिर डिक रे से मिलता है और वो कहता है हमने तुम्हें सब दिखा दिया था जो भी हमारे पास था, हमारा पूरा सिस्टम, हमारे सीक्रेट्स, हमने अपने आप को पूरी किताब की तरह तुम्हारे सामने खोल दी थी, तो क्यों नहीं तुमने हमारा आइडिया चुराया। रे बोलता है अगर मैं तुम्हारे आइडिया से बिजनेस स्टार्ट भी कर लेता तो मैं नाकाम हो जाता। रे डिक से पूछता है मुझे पता है तुमने अपने सीक्रेट बहुत से लोगों को बताए होंगे और तुम बताओ उनमें से कितने लोग सक्सेसफुल हुए। डिक बोलता है बहुत से लोगों ने अपना रेस्टोरेंट खोल लिया। रे कहता है क्या वो मैकडॉनल्ड की तरह कामयाब हुए। बिल्कुल नहीं,
कोई भी मैकडॉनल्ड के लेवल पर नहीं पहुंच पाया और ना कभी पहुंच पाएगा, क्योंकि सब में एक कमी है। एक चीज है जो मैकडॉनल्ड को स्पेशल बनाती है। डिक पूछता है कौन सी चीज। रे बोलता है मैकडॉनल्ड तुम्हारे स्पीडी सिस्टम की वजह से फेमस नहीं है, मैकडॉनल्ड फेमस है अपने नाम के कारण। अब रे ऑडियंस से बोलता है मुझे पता है आप लोग क्या सोच रहे हैं कि कैसे 52 साल के बुड्ढे ने जो मिल्कशेक मशीन बेचा करता था उसने कैसे फास्ट फूड एम्पायर बना लिया, वो भी 1600 रेस्टोरेंट 50 स्टेट में और 5 फॉरेन कंट्रीज में, जिसके साल का रेवेन्यू $700 मिलियन है। रे बोलता है सिर्फ एक शब्द, जिद। इस दुनिया में ऐसी कोई चीज नहीं जो आपकी जिद की जगह ले सके, ना ही टैलेंट, ना ही होशियारी और ना ही कोई एजुकेशन। जिद और दृढ़ निश्चय अकेले ही बहुत शक्तिशाली हैं। फिर हम देखते हैं जून मैरेटिनो जो रे की सेक्रेटरी थी, उसे मैकडॉनल्ड कॉर्पोरेशन का एक हिस्सा मिलता है। वो पहली औरत थी जिसे न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में ट्रेडिंग करने की अनुमति मिली थी। फिर फैट टर्नर मैकडॉनल्ड का सीनियर चेयरमैन बन जाता है और टर्नर ने मैकडॉनल्ड को 100 देशों तक पहुंचाया है। और हैरी बनता है पहला प्रेसिडेंट और सीईओ मैकडॉनल्ड कॉर्पोरेशन का। उन्होंने 1967 में रिजाइन कर दिया था रे के साथ डिस्प्यूट के वजह से। और रे और जॉइना शादीशुदा रहते हैं आखिरी दम तक। जॉइना ने रे के मरने के बाद ज्यादातर जमीन दान कर दी थी। और मैकडॉनल्ड भाई अपनी हैंडशेक डील को प्रूफ नहीं कर सके जिसमें उन्हें रॉयल्टी देने की बात की गई थी, और उन्हें कोई भी रॉयल्टी नहीं मिली है। आज के समय में उनकी रॉयल्टी को कैलकुलेट किया जाए तो वो हर साल $100 मिलियन होती है। और यहाँ हो जाता है मूवी का दी एंड। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और प्लीज कमेंट करके बताइए ये वीडियो आपको कैसा लगा। तो दोस्तों, मिलता हूँ आपसे एक और नई मूवी के एक्सप्लेनेशन के साथ।